हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईटी सुखेंद्र। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपकी साइट ब्लॉगर पे है और आप एडसेंस का अप्रूवल नहीं ले पा रहे हैं, आपने आर्टिकल खुद लिखा हुआ है फिर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको थोड़ा बहुत थीम में डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपकी साइट में जो है तो थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, आपकी साइट को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपने आर्टिकल खुद लिखा हुआ है और आपकी साइट में थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है फिर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो आपको अपनी साइट को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लॉगर में रीडिज़ाइन करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि जो थीम है उसी को आप जो थोड़ा कस्टमाइज़ करिए, जो भी चेंजेस आपको करने करिए, एंड दूसरा तरीका ये है कि आप थीम चेंज करके देखिए। ठीक है, तो यदि आप एक प्रीमियम टेम्पलेट आप ढूंढ रहे हैं ब्लॉगर के लिए जो कि फ्री हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करिए, ब्लॉगर की टेम्पलेट को डाउनलोड करने के लिए सिंपल गूगल में आइए और यहाँ पे सर्च करिए पिकी टेम्पलेट। सिंपल यहाँ पे सर्च करिए पिकी टेम्पलेट और यहाँ से जो है तो आप यहाँ से टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम एक टेम्पलेट यहाँ पे जो है तो डाउनलोड करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये नेक्स्ट स्पॉट करके एक टेम्पलेट है, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस टेम्पलेट को आप परचेज भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको आपको जो है तो लाइव प्रीव्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका जो लाइव प्रीव्यू है ये तीन मोड पे है। पहला डिफॉल्ट है, डार्क है एंड आरटीएल है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है तो डिफॉल्ट वाले को ओपन कर लेते हैं। और डिफॉल्ट में जैसे हमने इसको ओपन किया तो ये फास्ट लोड भी ओपन होता है। आप देख सकते हैं कितना फास्ट ओपन हुआ है, देख सकते हैं ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो ये टेम्पलेट है, ये जिनका भी टेक न्यूज़ या टेक के रिलेटेड ब्लॉग है या न्यूज वेबसाइट से रिलेटेड ब्लॉग है, ये उनके लिए ये टेम्पलेट बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेम्पलेट को हम डाउनलोड करते हैं और ये बटन है यहाँ पे डार्क मोड ऑन ऑफ करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। और चलिए हम क्या करते हैं यहाँ से जो है तो फ्री डाउनलोड वाले बटन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेम्पलेट डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अभी क्या करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। यदि आपके कंप्यूटर में ऐसा नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, आपके कंप्यूटर में जो है तो विनड्राव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो क्या करिए आप जो है तो विनड्राव सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करिए, गूगल में आइए और यहाँ पे सर्च करिए विनड्राव डाउनलोड, विनड्रार डाउनलोड। ठीक है, और ये जो पहला लिंक आ रहा है ना, इस लिंक में क्लिक करिए, यहाँ पे डाउनलोड विनड्रार पे क्लिक करिए एंड अगेन डाउनलोड विनड्रार पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड होना चालू हुआ है, 3 MB का है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे सिस्टम पे जो है तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आइए और इसके बाद जो है तो ये आपको ऐसा आइकॉन आ जाएगा विनड्रार का, यहाँ पे राइट क्लिक करिए एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करिए एंड इसको ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्राइक हो चुका है। यहाँ पे इसको ओपन करिए, यहाँ पे कुछ यहाँ पे पिकी टेम्पलेट की कुछ इमेजेस हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। इसके बाद यहाँ पे फ्री टेम्पलेट फाइल है, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करिए एंड यहाँ पे ओपन विथ में आइए एंड यहाँ पे नोट पैड में यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो है सारा कोड जो दिख रहा है इसको यहाँ पे कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर दीजिए। इसके बाद जो है तो आप अपने इसके बाद जो है तो आप अपने ब्लॉगर में आइए एंड थीम सेक्शन में आइए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपको इसका एक डिज़ाइन दिखा देता हूँ। अभी ये पिकी टेम्पलेट का ही टेम्पलेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीम सेक्शन में आइए, यहाँ पे आपको जो है छोटा सा डॉट दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करिए, एडिट एचटीएमएल वाले बटन पे क्लिक करिए। इसके बाद जो है ये सारा कोड को डिलीट करने के लिए कंट्रोल ए करिए एंड बैक स्पेस बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जो है तो आपने कंट्रोल सी करके कॉपी किया था, इसको कंट्रोल डी कर दीजिए, ये बेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये क्या होगा, ये आपका जो थीम है ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये प्रोसेसिंग में अभी थोड़ा टाइम लेगा, आप देख सकते हैं ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, एक बार हम आते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं रिलोड। तो चलिए हम इसको यहाँ पे करते हैं रिलोड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपर चेंज हो चुका है टेम्पलेट। एक बार मैं इसको जो है तो अगेन रिलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट यहाँ पे प्रॉपर चेंज हो चुका है और यहाँ से जो है तो अच्छी तरीके से ये वर्क भी कर रहा है। ठीक है, अभी ये आपको कुछ अजीब तरीके का दिख रहा होगा इस ब्लॉग में, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है तो पोस्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, डेमो पोस्ट हैं और पोस्ट में इमेजेस वगैरह नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये
नो इमेजेस का यहाँ पे आइकॉन आ रहा है। थोड़ा बहुत आप यहाँ पे नोटिस करेंगे मेनू बार है ये थोड़ा जो है तो राइट साइड ज़्यादा भाग रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बैक आएंगे और यहाँ पे लेआउट पे आएंगे। इसके बाद जो है तो एक बार इसको यहाँ पे मेन मेनू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे तो कुछ मेनू को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं जो हमारे काम के नहीं हैं। हालांकि मेरी जो साइटें हैं वो भी ब्लॉगर पे रन नहीं करती, वर्डप्रेस पे रन करती हैं। वर्डप्रेस पे रन करने का मेरा कारण ये है कि वर्डप्रेस से जो है तो मुझे एडवांस ऑप्शन मिल जाते हैं और बहुत आसान तरीके से मैं अपनी साइट को मैं ऑप्टिमाइज कर पाता हूँ और उनको मैं रैंक करा पाता हूँ। हालांकि आप ब्लॉगर पे भी करा सकते हैं लेकिन ब्लॉगर पे जो है तो आपको खुद करना पड़ता है। और वर्डप्रेस पे होता क्या कि कई सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। और ब्लॉगर पे यदि मान लीजिए आपकी साइट है, जैसे ये वेबसाइट है मेरी और इस पर मैंने एडसेंस के लिए एड्स लगा दिए, तो आपकी साइट की स्पीड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। और यदि आपको अच्छा खासा कोडिंग का नॉलेज है तो ही आप जो है तो ब्लॉगर की साइट को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स यदि आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो आप ब्लॉगर की साइट को स्पीड के मामले में आप अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे जाएं और आपको इन सारी चीज़ों में आपको फंसना ना पड़े, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा कि आपकी जो साइट है ब्लॉगर पे है तो आप उसको वर्डप्रेस पे कैसे ले जाएंगे बहुत ही कम बजट में। मुझे पता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो स्टूडेंट या फिर जॉब कर रहे हैं, ओके, तो उनका जो बजट होता है बहुत ही कम होता है, लाइक 400-500 रुपए तक का उनका बजट होता है। बहुत ज़्यादा 2000-3000 रुपए का बजट होता है और इतना बजट होता है तो वो होस्टिंग और डोमेन को अफोर्ड नहीं कर पाते। फर्स्ट ईयर तो कर लेंगे लेकिन नेक्स्ट ईयर वहाँ पे जो है तो कंपनियाँ क्या करती हैं आपकी आपसे दो गुना चार्ज करती है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी से आपने होस्टिंग को परचेज किया और फर्स्ट ईयर तो कंपनी आपको सस्ते प्लान दे देगी लेकिन सेकेंड ईयर जब आपका रिन्यूअल का टाइम आता है तो कंपनी आपका दो गुना या डेढ़ गुना उसका चार्ज करती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा कि आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे कैसे जा सकते हैं। और यदि आपको मालूम है कि आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे कैसे मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं अपने वेबसाइट को और आप कम बजट में एक अच्छी होस्टिंग की तलाश कर रहे हैं, तो आप जो है तो यहाँ पे सिंपल क्या करिए, गूगल में आइए और यहाँ पे सर्च करिए एल्गोहोस्ट। एल्गोहोस्ट जो है तो ये एक होस्टिंग वेबसाइट है और यहाँ पे जो है तो आप काफ़ी कम प्राइस में होस्टिंग और डोमेन को यहाँ पे से परचेज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, यदि आप एक साल के लिए होस्टिंग को परचेज करते हैं तो आपको डोमेन फ्री में मिल जाता है और यहाँ पे इनको जो बजट है ना बहुत ही ज़्यादा कम है। आप मार्केट में कोई भी होस्टिंग उठा के देख लीजिए, उनके जो प्लान्स हैं और इनके प्लान्स को कंपेयर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे डोमेन भी फ्री हैं, बट क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी ऑलमोस्ट दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। तो यदि आप एल्गोहोस्ट से होस्टिंग और डोमेन को परचेज करते हैं तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट आपको पूरा रहेगा। आप एनी टाइम मुझे कॉल करके आप कोई भी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आप मुझसे उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं यहाँ पे ब्लॉगर की तरफ। तो यहाँ पे हमने इस टेम्पलेट को यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लिया है। अभी हम यहाँ से जो है थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। देखिए जो भी आपको चेंजेस करने होंगे, लाइक लोगो चेंज करना है आपको, ठीक है, और आपको यहाँ पे जो है तो आपको मेनू बार में कुछ चेंजेस करने हैं, लोगो चेंज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और फुटर बार में जब आपको कुछ चेंजेस करना है तो ये आपको लेआउट सेक्शन में ही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से आप जो है तो बड़ी आसानी से क्लिक करके चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे जो है तो मान लीजिए आपको यहाँ पे डेस्कटॉप का हेडर यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, सिंपल इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करिए। दो तरीके हैं, पहला तरीका तो ये कि मान लीजिए आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, कोई भी आपके पास सिस्टम में कोई इमेज पड़ी हुई है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अभी मेरे पीसी पे कोई भी इमेज नहीं है तो यहाँ पे मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे इमेज एड्रेस जो लिंक होती है आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है, ये अप्लाई हो जाएगा, ओके। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा, वीडियो आपको पसंद आएगा। तो यदि आपकी साइट ब्लॉगर पे है और आपका बजट नहीं है, आप प्रीमियम टेम्पलेट की आप तलाश कर रहे हैं तो आप पीकी टेम्पलेट की तरफ जा सकते हैं। और यदि आपकी साइट ब्लॉगर पे है और आप वर्डप्रेस में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने से फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको ए टू जेड गाइड करूँगा और वो प्रॉब्लम्स आप बच जाएंगे जो नॉर्मल लोग मैनुअली जब साइट माइग्रेशन करते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि इसका मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ, ओके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।